एसटीएफ सोनीपत व गुरुग्राम की टीम को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ की संयुक्त टीम ने आईआईटी सहित अन्य सरकारी ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैक कर परीक्षा पास करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को काबू किया गया है। पानीपत पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैक कर परीक्षा उत्तीर्ण करवाने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए सोनीपत व गुरुग्राम एसटीएफ की टीम काफ़ी समय से प्रयासरत थी। टीम ने विभिन्न पहलुओं पर छानबीन करते हुए विशेष सूचना मिलने पर दबिश दी और आरोपियों को नागपुर महाराष्ट्र से काबू किया है। गिरोह के खिलाफ भिवानी व पानीपत में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी अशोक उर्फ शोकी पर हरियाणा पुलिस की ओर से भिवानी में दर्ज एक मुकदमे में 1,00,000 रुपए और मोनू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी लोगों से मोटी रकम लेकर आईआईटी के साथ ही नौकरी की विभिन्न परीक्षाएं पास करवाते थे। कौन क्या करेगा? कोई स्टूडेंट लेके आता है, कोई पेपर सॉल्व कराता है, कोई लैब चलाता है। और भी सर पूछता है कि जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे अभी जो आई आई टी के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, एमटीएससी के रेलवे क्लर्क के एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ामों में उन्होंने किए। और इनके दो तरीके हैं, तो जो ऑनलाइन मैंने मॉडल बताया और कुछ जो किसी दूसरे के उस पर बैठाते करते जो करते हैं कि किसी और करते हैं, किसी और से एग्ज़ाम दिलवा देते हैं सर। तो इनसे हम ये भी पूछताछ कर रहे हैं और कौन कौन लोग उनके जो ऐसे लोग हैं जो उनको बताओ और वो और मेरे पेपर लीक कराने में शामिल हो, तो उन्होंने कुछ उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन।